बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने अनगाइडेड मीडिया के टॉपिक का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने माइक्रोवेव की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम अनगाइडेड मीडिया की दूसरी टाइप्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन की डिटेल देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास माइक्रोवेव्स मौजूद थी, यानी हम माइक्रोवेव्स के थ्रू डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा सकते थे, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पेश आई? तो फ्रेंड्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, वो था उसका कर्वेचर ऑफ अर्थ, माउंटेन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स दैट ऑफन ब्लॉक द लाइन ऑफ साइट। तो दोस्तों, माइक्रोवेव्स के अंदर हम एंटेनास के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता था, जैसे कि माउंटेन, ट्री वगैरह, तो माइक्रोवेव्स वहां से पास नहीं हो सकती थी। और जब माइक्रोवेव्स वहां से पास नहीं होंगी, वहां से नहीं गुजर सकेंगी, तो हमारा डाटा भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ड्यू टू दिस सेवरल रिपीटर्स स्टेशंस आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन व्हिच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, अगर इसके साथ साथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है, तो उसके लिए हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद रिपीटर लगाना होगा, ताकि वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर दूर तक फेंक सके, क्योंकि माइक्रोवेव्स आपके डाटा को दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती थी लाइन ऑफ साइट की वजह से। तो इसीलिए रिपीटर्स लगाने की वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत कॉस्टली हो जाती थी, और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाई गई सैटेलाइट्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, instead of antennas, satellites all can also be used to transfer microwave messages from one location to another. यानी अब antennas की जगह इस्तेमाल की गई satellites, और ये भी microwaves के थ्रू ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, या फिर ये कह लें कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट आखिर होती क्या है, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन करती है। तो दोस्तों, आप ऐसा समझ लें कि ये एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो अपने से कई गुना बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा होता है स्पेस में, यानी हवा में, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाता है सैटेलाइट। और सैटेलाइट वो छोटा ऑब्जेक्ट है, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके गिर्द सैटेलाइट घूम रही होती है, वो होती है आपकी अर्थ। और फ्रेंड्स, ये देखिए कि कैसे सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया जाता है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस सैटेलाइट के थ्रू आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होती, बल्कि दुनिया के ऊपर मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के किसी भी पार्ट को कवर कर सकती है। तो देखिए इसको किस तरीके से स्पेस में पहुंचाया जाता है। द सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय रॉकेट्स, इनको रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है, यानी स्पेस में पहुंचाया जाता है। अब स्पेस में आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, तो स्पेस में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होती, बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी स्पेस में बहुत सी सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं, कुछ टेलीविजन चैनल्स की होती हैं, कुछ वेदर फोरकास्टिंग के लिए होती हैं, कुछ इमेजिंग के लिए होती हैं, कुछ स्कैनिंग के लिए होती हैं, और कुछ इंटरनेट कनेक्शन के लिए होती हैं। और तमाम सैटेलाइट्स अलग अलग स्पीड से अर्थ के गिर्द घूम रही होती हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन की, तो इनमें से जो सैटेलाइट डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका ऑर्बिट होता है, उसकी स्पीड होती है 36,000 किलोमीटर, यानी वो अर्थ की स्पीड के बराबर ही मूव कर रही होती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इट्स ऑर्बिट हैज बीन 36,000 किलोमीटर बिकॉज दे ऑर्बिट एट द स्पीड that exactly matches the earth rotation, so they are called geostationary. तो दोस्तों, इस तरह की सैटेलाइट जिसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के बराबर होती है, इस तरह की सैटेलाइट को geostationary सैटेलाइट का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी अर्थ मूव कर रही है, बिल्कुल उसी स्पीड में ये सैटेलाइट भी मूव कर रही है। और इस तरह की सैटेलाइट जो कि बिल्कुल अर्थ के साथ साथ अर्थ की स्पीड को मैच करते हुए ट्रैवल कर रही होती है, इसको नाम दिया जाता है जियो स्टेशनरी का। और दोस्तों,
इसको अर्थ की स्पीड से घुमाने का फायदा क्या होता है? They appear to an observer on the ground to be stationary in space. यानी जब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ की स्पीड से रोटेट करती हैं, तो ऑब्जर्वर यानी आप जो जमीन पर मौजूद हैं, उन्हें ये लगता है कि सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि वो अर्थ की स्पीड से मूव कर रही होती है, तो अर्थ के जिस पार्ट पर सैटेलाइट को प्लेस किया जाएगा वो हमेशा उसी पार्ट पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि अर्थ अभी इस पार्ट पर सैटेलाइट मौजूद है, तो देखें कि ये हमेशा अर्थ के इसी पार्ट के सामने रहेगी। यानी अर्थ की स्पीड से इसको घुमाने का फायदा यही है, ये है कि जिस पार्ट के सामने हमें सैटेलाइट को रखना है ये हमेशा वहीं फिक्स रहेगी। दोस्तों इसका अगला पॉइंट देखिए, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव अर्थ स्टेशन आर ऑलवेज एबल टू एम इट्स एंटेनास टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द स्काई। यानी माइक्रोवेव के अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे एंटेनास को स्काई पर, क्योंकि सैटेलाइट्स स्काई पर मौजूद होती हैं, स्पेस पर मौजूद होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये सैटेलाइट्स हमेशा फिक्स पॉइंट पर रहें। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जब हमने इस सैटेलाइट को अर्थ के इस पार्ट के सामने लगाया है, तो जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी ये पॉइंट, ये सैटेलाइट हमेशा इसके सामने ही रहेगा, जिसकी वजह से वो एंटेनास जो अर्थ पर मौजूद है उनका डिस्टेंस सैटेलाइट से हमेशा सेम रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें अर्थ के रोटेशन और सैटेलाइट की रोटेशन की स्पीड को सेम रखना होता है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर अर्थ स्टेशन विच सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू द सैटेलाइट। तो दोस्तों ये कहलाते हैं अर्थ स्टेशन, जिनका काम होता है सैटेलाइट को सिग्नल भेजना और जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहा है उन्हें रिसीव करना। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है ट्रांसपोंडर। द ट्रांसपोंडर रिसीव्स द ट्रांसमिशन फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट देम टू एन अदर अर्थ स्टेशन। तो दोस्तों ट्रांसपोंडर दरअसल सैटेलाइट का अपना कॉम्पोनेंट होता है जो अर्थ स्टेशन से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है, उनको लेता है, देन उनको एम्पलीफाई करता है, यानी उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और फिर दोबारा उन्हें तमाम अर्थ स्टेशंस को, यानी इन तमाम अर्थ स्टेशंस को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो दोस्तों ये तस्वीर में देखें, पहले ये अर्थ स्टेशंस वन है जो सिग्नल्स को सेंड करेंगे सैटेलाइट को, और सैटेलाइट में जो ट्रांसपोंडर है वो उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा और दोबारा से एम्पलीफाई करके उनकी स्पीड को बढ़ाकर, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर सेंड कर देगा इन तमाम सैटेलाइट्स को। तो इस तरीके से इसके अंदर कम्युनिकेशन की जाती है और इस तरह दुनिया में मौजूद हर जगह आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स दुनिया में तमाम कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। दोस्तों एक और अहम बात, इसमें दो टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, अपलिंक और डाउनलिंक। तो अपलिंक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सिग्नल्स को सेंड करते हैं सैटेलाइट्स को, तो इस तमाम प्रोसेस को कहा जाता है अपलिंक। और डाउनलिंक वो प्रोसेस होता है जिसमें सैटेलाइट सेंड करती है सिग्नल्स को अर्थ स्टेशंस को। और फ्रेंड्स सबसे पहले जो सैटेलाइट है, यानी सबसे पहले जो सैटेलाइट्स मौजूद थी वो है हमारा मून, जो कि अर्थ के गिर्द चक्कर काट रहा है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स हम यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल है, जो कि नासा और दूसरे दूसरे कंट्रीज ने खुद बनाई है अपने लिए। इसीलिए द मून वॉज यूज इन अर्ली एयर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी चांद पर सिग्नल भेजे जाते थे, उसे एज अ सैटेलाइट यूज किया जाता था, लेकिन चांद क्योंकि अर्थ से काफी फासले पर है, इसीलिए द टाइम इट टुक फॉर अ सिग्नल टू गेट टू द मून एंड बैक वॉज 2 seconds। यानी जब सिग्नल्स को मून को भेजा जाता था और जब मून उन सिग्नल्स को अर्थ पर वापस भेजता था, तो उसमें जो वक्त लगता था वो था 2 seconds। और ये 2 seconds भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब हम माइक्रो सेकेंड्स पर काम कर रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स में हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। एंड दिस टाइम इज कॉल्ड सैटेलाइट डिले, और ये टाइम कहलाता है सैटेलाइट डिले का, कि कितनी देर में सैटेलाइट में कम्युनिकेशन हुई। लेकिन अब और कई तरह की सैटेलाइट्स आ गई हैं जो कि अर्थ से काफी करीब है, क्योंकि मून तो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर था, तो उसमें कम्युनिकेशन डिले, सैटेलाइट डिले भी बहुत ज्यादा था। और अब जो सैटेलाइट्स आ गई हैं
उनके अंदर मून की निस्बत जो सैटेलाइट डिले है वो बहुत ज्यादा कम होता है। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इट्स मेजर एडवांटेज इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड एट वंस। तो दोस्तों इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप एक साथ बड़ी तादाद में डेटा को सैटेलाइट को सेंड करते हैं और सैटेलाइट उस डेटा को जहां जहां आपको भेजना होता है वहां ब्रॉडकास्ट कर देती है। इट इज यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों चाहे टीवी चैनल्स हो, वेदर फॉरकास्टिंग हो, किसी दूसरी कंट्री में आपको कॉल करनी हो, तो ये सब काम सैटेलाइट के भरोसे ही चल रहे हैं, क्योंकि हर एक काम के लिए एक अलग सैटेलाइट मौजूद है। अगर टीवी चैनल्स की बात की जाए तो टीवी चैनल्स के ट्रांसमीटर सिग्नल्स को सेंड करते हैं सैटेलाइट को, और सैटेलाइट उन सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट कर देती है पूरी दुनिया में। इस तरह हमें दुनिया भर की न्यूज अपने टीवी पर नजर आती है। इसी तरीके से अगर एक स्कैनिंग के लिए सैटेलाइट है जिसमें स्कैनर नब्ज हुए हुए हैं, तो अर्थ पर जहां का आपको वेदर मालूम करना है वहां आप इन सैटेलाइट को प्लेस कर दें, तो वो सैटेलाइट मिनट मिनट के वेदर की इंफॉर्मेशन आपको दिखाती रहेगी। यानी अब सैटेलाइट के इस्तेमाल से दुनिया में किसी हर किस्म की कम्युनिकेशन की जा सकती है। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स्ड है, तो अगर आपको इन बिल्डिंग डाटा को सेंड करना है या किसी दूसरे कंट्री में, तो डाटा अगर सैटेलाइट के थ्रू जाएगा तो एक ही टाइम में जाएगा, यानी उसको उसकी कॉस्ट भी सेम होगी क्योंकि दोनों सेम सैटेलाइट को यूज कर रहे होंगे। तो इसीलिए वी कैन से कि कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ये थे इसके एडवांटेजेस। आइए इसके डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। द कॉस्ट टू लॉन्च एंड सेट अप इज वेरी हाई। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट्स को रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है, फिर सैटेलाइट खुद एक बहुत बड़ा हार्डवेयर होता है जिसमें तरह तरह के सर्किट्स और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए इसको लॉन्च करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। It has a serious security problem because it is easy to intercept the transmission as it travels through the air. जैसे कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है, यानी हवा में मौजूद है, और इसके पास जब हम माइक्रोवेव्स को भेजते हैं तो वो भी हवा के थ्रू ही सैटेलाइट तक पहुंचती है, और जो भी चीज हवा में मौजूद होती है तो उस तक कोई भी पहुंच सकता है, उसको सिक्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रखने की जरूरत होती है। द थर्ड वन इज बैड वेदर कैन इजीली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जब आपकी अर्थ का वेदर बैड होगा, यानी अगर रेन हो रही है, थंडर स्टॉर्म्स आ गए हैं, तो यकीनन माइक्रोवेव्स क्योंकि सैटेलाइट तक जाएंगी तो अर्थ से होकर जाएंगी, और अगर बीच में इन बैड वेदर की वजह से उसे बहुत ज्यादा रुकावटों को फेस करना पड़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि माइक्रोवेव्स के लिए रुकावटों से पास होना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए बैड वेदर सैटेलाइट ट्रांसमिशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा मुतासर करता है। तो फ्रेंड्स ये थी सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो अगली कम्युनिकेशन है वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल के मायने होते हैं ऐसी चीज जो कि मूवमेंट कर रही हो, यानी जो कि अपनी हरकत को तब्दील कर रही हो। तो ऐसी कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के दरमियान अगर हो रही होगी तो इसे मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। इट इज अ रेडियो बेस्ड नेटवर्क दैट ट्रांसमिट डेटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। यानी इस तरह के कंप्यूटर्स जिनको आप ड्यूरिंग मोशन यूज कर सकते हैं, और इस तरह की डिवाइसेस जिनको विद मूवमेंट आप यूज कर रहे होते हैं, इसके थ्रू जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर या वन मोबाइल टू एन अदर मोबाइल, इस तरह की कम्युनिकेशन को मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इस तरह के कंप्यूटर्स को, इस तरह के डिवाइसेस को मोबाइल डिवाइसेस कहा जाता है जो कि अपनी मूवमेंट को बार बार तब्दील कर रही हो। जैसे कि मोबाइल फोन वगैरह, आप आमतौर पर मोबाइल फोन पे जब बात करते हैं तो आप इस तरह तो नहीं होता कि आप एक जगह बैठे हैं और जरूरी है कि आप वहीं बैठे बैठे ही कम्युनिकेशन करें, बल्कि आप हर जगह मूव करके भी अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को मोबाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसके अंदर भी जिन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो रेडियो वेव्स होती हैं।
और दोस्तों रेडियो वेव्स इसमें इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये बआसानी किसी भी ऑब्स्टेकल से पास हो सकती है, किसी भी दीवार से पास हो सकती है, किसी भी ऑफिस से पास हो सकती है। इसीलिए आमतौर पर मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर रेडियो वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। द मोबाइल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू वाइड पोर्ट। दोस्तों आप दो मोबाइल को इस तरह की केबल से भी जोड़ सकते हैं एंड कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायरलेस कनेक्शन, यानी आप इनको वेव्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू भी आपस में दो मोबाइल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करा सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर अब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम यहाँ बैठे होते हैं और हम जिससे चैटिंग कर रहे होते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं, किसी को डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो वो किसी और जगह मौजूद होता है और हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई केबल भी नहीं होती। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये होती है वेव्स के थ्रू, और वो वेव्स भी कौन सी होती है, रेडियो वेव्स होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगले लेक्चर के अंदर हम कम्युनिकेशन हार्डवेयर के अंदर जो पहली डिवाइस को पढ़ेंगे वो है मोडेम।